तो जनाब मैं पहुंच गया हूं नाइल रिवर के बिल्कुल पास में। मैं हूं इस वक्त ईस्ट बैंक पर। ये है एक्चुअली एक पब्लिक बोट, सिर्फ £1 लगता है इस बोट में। हार्डली 5 मिनट यहाँ तक पहुँचने के लिए। वेस्ट बैंक पे पहुँचते ही फिर से वही लोग, टैक्सी वगैरह 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 वगैरह। इतना ज़्यादा ये कमर्शियलाइज सा लगता है ना, एक बार डर लगता है। जो लोग मदद कर रहे हैं पता नहीं, ऐसा भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मदद के बाद ये लोग इसके लिए पैसे मांगे। मेरे साथ हुआ था ऐसा कंबोडिया में, थाईलैंड का बॉर्डर क्रॉस करते ही हरियाणा पर थे, रेलवे स्टेशन पर उतरा था मैं बैंकॉक से, कंबोडिया जाना था। जैसे बॉर्डर क्रॉस किया एक आदमी पीछे पड़ गया, मैं आपकी हेल्प करूँगा वगैरह वगैरह। मैं और मेरे साथ में कुछ यूरोप के टूरिस्ट थे, हमने बहुत मना किया वी डोंट नीड हेल्प, मगर वो पीछे पड़ गया। और उसके बाद वो कहता है मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं फ्री में आपको हेल्प कर रहा हूँ। जब हमने वीज़ा ले लिया वहाँ का, कंबोडिया का वीज़ा ऑन अराइवल था, थोड़ी देर के बाद में उसने इतना परेशान किया ना हमें, इतना परेशान किया, उसने कहा कि आपको मेरी टैक्सी में जाना ही पड़ेगा सीएम रीप तक, मैं किसी और के साथ जाने नहीं दूंगा। और एट लास्ट हमारी हालत ये हो गई थी, हम 3-4 टूरिस्ट और वो पीछे पड़ गया था। उसने धमकी दी कि मैं पासपोर्ट फाड़ दूंगा आप लोगों के अगर आप मेरे साथ में नहीं गए तो। हम लोगों ने इतने मुश्किल से पीछा छुड़ाया उससे, एक पेट्रोल स्टेशन पे गए हम लोग जहाँ कैमरा लगे हुए थे, पेट्रोल पंप पे एक लेडी मैनेजर थी, हमने उससे कहा कि भैया एक ऐसी ऐसी परेशानी है। लकीली हमारे इस ग्रुप में एक लेडी भी थी, एक टूरिस्ट थी, तो उसने हमारी थोड़ी सी हेल्प की। उसने कहा ठीक है आप अंदर खड़े रहो और जब वो चला जाएगा तब बाहर निकल जाना। फाइनली उसने हमारी हेल्प की और उसने किसी और को बुलाया, किसी टैक्सी को अरेंज किया हमारे लिए और वो हमको सीएम रीप तक लेके गया। तो अब डर लगता है भाई फ्री में हेल्प लेने, जब कोई ऐसे व्यक्ति आते हैं वो भी ऐसी खासी टूरिस्ट की जगह पर, जब कोई ऐसी मदद करता है तो डर लगता है उनसे हेल्प लेने में भी। थैंक यू वेरी मच, आई एम गोइंग देयर, इट्स ओके प्लीज, it's okay, just the price, I just want to explode. ये सच में बहुत बहुत ज़्यादा गलत बात है ये। आई डोंट नीड एनीथिंग, थैंक यू वेरी मच। ये एक्चुअली कोई बस स्टैंड है यहाँ पर, राइट साइड में एक बस टर्मिनल। मैं अंदर आ गया हूँ तब जाके ये लोग भागे हैं। मुझे एक्चुअली जाना था वहाँ बस स्टेशन पे हचपसूत जाने के लिए। लोग कैसे कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। अभी एक और मिला था, वो कह रहा था कि आपको टैक्सी नहीं मिलेगी यहाँ से, बस मिलेगी और बस में 200-250 pounds लगेंगे, मेरी टैक्सी खड़ी हुई है बाहर उस पार, जबकि वो यहाँ का लोकल था ऐसा लग रहा था। तो इजिप्ट थोड़ा सा ट्रिकी है। मुझे किसी ने कहा था कि अगर आप यहाँ होगे, आप पैकेज लोगे तो या तो आपको पैकेज वाला बेवकूफ़ बनाएगा, और अगर आप पैकेज नहीं लोगे या बैकपैकर की तरह घूमोगे तो फिर आपको यहाँ के टैक्सी वाले और ये जो एजेंट्स हैं ये आपको बेवकूफ़ बनाएंगे। मगर आप बेवकूफ़ बनेंगे ज़रूर अगर आप यहाँ घूमने के लिए आएंगे तो। हो सकता है इंडिया के बारे में भी लोग ऐसी राय रखते हों। जगह एक्चुअली अच्छी है, बहुत अच्छी है, डिफरेंट है इंडिया से, कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, खाना हमारा हमारे जैसा है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें इजिप्ट की। मगर ये जो लोग हैं ना, इसको थोड़ा सा ये ख़राब, इस एक्सपीरियंस को बहुत अच्छा नहीं रहने दे रहे हैं। इस कैफ़े में पहुँचा मैं, वहाँ गया था रिसेप्शन, जो पैसा वैसा जो लेते हैं वहाँ पर, मैं उनसे पूछ रहा था कि हचपसूत के लिए बस पकड़नी है। तो जैसे ही वापस जा रहा था मेरी नज़र पड़ी टीवी के ऊपर, और वहाँ पर एक फिल्म चल रही है, वो इंडियन फिल्म है, दिखाता हूँ आपको कौन सी है। मुझे नज़र आया जनाब आशुतोष राणा, फिल्म का नाम है कुरियर बॉय कल्याण। ओरे अरे इसका नाम, ये तो जी समथिंग चैनल है, जी अरबिक। हचपसूत के लिए ये गाड़ी मिल गई है, 15 इजिप्शियन पाउंड में ये भाई साहब मुझे छोड़ेंगे हचपसूत। ओके किंग्स वैली, क्वींस वैली और बहुत सारी जगह है वेस्ट बैंक में देखने लायक।
अपना गांव कभी हुआ कर। हचपसूत का जो टिकट काउंटर है वो यहाँ पर है। हचपसूत के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, क्वीन हचपसूत है कोई, उनका मंदिर है सामने। और अगर आप चाहें तो सामने एक ट्रेन, इसको ट्रेन बोलते हैं, वो ट्रेन का भी यूज़ करके आप वहाँ तक जा सकते हैं। फेरी को भरने में पूरी तरीके से जब भरी तभी ये चली। और ज़्यादा भर लेते हैं लोग, और उसके बाद बोट का जो एक्चुअल लोगों को ले जाने की जो लिमिट होती है, लोग कई बार शायद उससे ज़्यादा भी भर लेते होंगे, और वो उस हिसाब से कई बार रिस्की हो जाता है। मेरे पीछे एक भाई साहब खड़े हुए हैं, ये एक टूरिस्ट हैं और ये एक साइकिल पर। इन्होंने ये बताया कि इनके हॉस्टल से इन्होंने ये रेंट पर ली है 20 पाउंड्स पर डे के हिसाब से। और वाकई बहुत अच्छा तरीका है ये इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। 3 बज चुके हैं, 5 बजे मेरी ट्रेन है, और अभी मैं खाना खाऊंगा, रात के लिए पैक कराऊंगा, और उसके बाद अपने होटल जाके वहाँ से सामान लेना है और सीधा स्टेशन जाना है। तो ये था जनता क्लास वाला तरीका रिवर नाइल को क्रॉस करने का। इजिप्ट एक्चुअली खाने के लिए काफ़ी ठीक ठाक है। मैंने खाया यहाँ पर कोशारी फूल, मैंने आपको दिखाया था ब्रेकफास्ट में, खाया था बीन्स का होता है, कुछ बनता है, और उसके साथ में मैंने खाया आइश। 1 पाउंड की 4 आइश दी हैं उन्होंने, 4 रोटियाँ, बेसिकली ब्रेड है वो। इसके अलावा मैंने खाया इसमें था खीर जैसा कुछ होता है, चावल और दूध का। आज सेकेंड टाइम मैंने खाया है, और इसका नाम क्या है, रोज़ ब्लबन, बट वो था 8 पाउंड्स का। और मैंने पैक करा लिया है कोशारी, ये है 15 पाउंड्स का, मीडियम साइज़ है, इतना बड़ा है। मुझे इस वक्त बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, बाय। सब क्लियर हो गया ना? 1 रुपये 1 पाउंड की 4 रोटियां, फूल शायद 5 रुपये का एक फूल, कोशारी 15 पाउंड्स का, रोज़े ब्लाबला 8 ब्लाबला नहीं कुछ और नाम वो था 8 पाउंड्स का। बहुत खा लिया है और अब मैं चलता हूँ। और अब मैं ये फाइनली अपने रास्ते के लिए ये परचेज कर रहा हूँ। व्हाट डू यू कॉल दिस थिंग, नेम, व्हाट इज द इजिप्शियन नेम? फिनू, या इसको बोलते हैं फिनू। हाउ मच? 2 for 1 pound। तो 1 pound में 2 ये ब्रेड्स मिल रहे हैं, मैं ले रहा हूँ 3, मैं ले रहा हूँ 4 2 pounds की अपने रास्ते के लिए। कुछ 5:35 या 30 मिनट में मेरी ट्रेन है, पैदल जाना है मुझे। मैंने कहा 5 pounds और भाई सब तैयार हो गए हैं। यस इंडिया, अपचान, अपचान, या इंडिया। अच्छा, ये अपचान नहीं, अमिताभ बच्चन है। This is my Lamborghini. Your Lamborghini? Yeah, my Rolls Royce. शुक्र है हमारी हिंदी फिल्मों का, लोग इंडिया को जानते हैं। मुझे याद आ रहा है कजाकिस्तान वाले वो जनाब मिले थे रशिया में नोवोसिबिर्स्क रेलवे स्टेशन पर। उज़्बेकिस्तान, all right, from Delhi, India. दोस्तों मेरे जिंदगी जीते के अमानत है। What is it? दोस्तों मेरी जिंदगी
जिद्दे की अमानत है मेरी ये जिंदगी जिद्दे की अमानत है जिंदगी अमानत है क्या बात है आई एम ए डिस्को डांसर मेरे साथ नज हो आया मैं डिस्को डांसर तो स्तो मेरे जिंदगी जीतो की अमानत है नमस्ते 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 आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे फिर मिलेंगे राज कपूर और यहाँ इजिप्ट में तो पता नहीं कितने हैं सारे लोग मिले अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान डू यू नो शाहरुख खान शाहरुख खान व्हाट इज योर नेम अहमद ये हैं 5 pounds शुक्रिया This is 10 pounds Take this. No cheating. Take this. No cheating. Yes. Tapachan. पांच पाउंड्स मांगे थे इसने और यहाँ आके अचानक उस 5 के हो गए 10. इनसे 10 बार कंफर्म करो कि मैं आपको कितना प्राइस देने वाला हूँ जो भी सर्विस आप लेते हैं. ओके एंड प्लेटफॉर्म नंबर 5. दिस इज नंबर 1. आई हैव टू गो 5. This way. Yes. Left. This way. अब मैं जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर जहाँ से मेरी ट्रेन 5:30 बजे निकलेगी और ये है टिकट. याद आया कुछ हमारी पुरानी टिकटें कैसी होती थी इंडियन रेलवेज की. तो हमारे यहाँ पुराने ज़माने में होती थी कार्ड वाली टिकट्स. इस पर लिखा हुआ है लग्जर से कायरो गीज़ा और पीछे उन्होंने अरबिक में लिखा हुआ है सारा डिटेल्स सीट नंबर वगैरह पता नहीं क्या क्या है. कितना पुराना सिस्टम है यहाँ लग्जर का. प्लेटफॉर्म नंबर 1 पहले प्लेटफॉर्म नंबर 5 तक बोला कि उस तरफ चले जाओ. प्लेटफॉर्म नंबर 5 एक्चुअली है ही नहीं. फिर वापस यहाँ पर आया पता चला कि वो 5 नहीं है वो 5 बजे की ट्रेन है. बड़ा कंफ्यूजन है यहाँ. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे ट्रेन का जो कोच है वो 11 नंबर ऐसा लोगों ने बताया मेरे को बट यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ. जैसे हमारे यहाँ डिस्प्ले होता है ना S7, S6, A1, B1, B2 वगैरह यहाँ कुछ डिस्प्ले नहीं है. इसके बाद मेरी ट्रेन आएगी इतना पता चला है बट वो उसका कोच कहाँ पर होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा. यहाँ पर एक स्टेशन मास्टर रूम है वहाँ जाके पता करता हूँ. Excuse me. But to so that you give job mark, we will meet at this. What is it that you are? This is my train. After half hour, block number 1. This one, this platform, yes. And which is my coach? My car coach. Number 11. Coach number 11. Car number 11. And seat number? This way. Car number. Okay. Left. And what is the seat number? Seat number. 57. Thank you very much. Shukran. एजेंट की एक नॉर्मल ट्रेन. सारे क्लासेस अनरिजर्व्ड हैं जैसे हमारे यहाँ पैसेंजर्स ट्रेन होती हैं या फिर ऑर्डिनरी ट्रेन्स होती हैं. ये उसकी तरह एक ऑर्डिनरी ट्रेन है. थर्ड क्लास बोलते हैं इसको. इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होती है. टिकट लो और अंदर जाके बैठ जाओ. चीपेस्ट वे टू ट्रैवल इन इजिप्ट. इजिप्ट में घूमने का सबसे सस्ता तरीका है ये ट्रेन्स. जनाब इजिप्ट की VIP ट्रेन्स. सेकंड क्लास
ये है मेरी ट्रेन। ये बिल्कुल कोलकाता मेट्रो की तरह एयर कंडीशन नहीं है, बट हाँ गर्मी भी नहीं लग रही है, अंडरग्राउंड है इसलिए टेम्परेचर ठीक है, और पूरी दुनिया उसको अपराइजिंग के नाम से जानती है। ये है वो आइकनिक जगह जिसका नाम है तहरीर स्क्वायर।